दोस्तों बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अब टक्कर देने जा रहे हैं अक्षय कुमार को, और अक्षय कुमार का खिलाड़ी खिताब होने वाला है सलमान खान के नाम। दरअसल बॉलीवुड के गलियारों से खबर निकल कर आई है, सुपरस्टार सलमान खान को साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा की अपकमिंग फिल्म खिलाड़ी का टीजर इतना पसंद आया है कि उन्होंने बिना फिल्म को देखे फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं, और अब खिलाड़ी का हिंदी रीमेक बनाने की तैयारियां चल रही हैं। फिल्म खिलाड़ी में रवि तेजा का डबल रोल है, जिसमें एक शरीफ और दूसरा बदमाश दिखाया गया है, और अब जब ये फिल्म हिंदी में बनती है तो सलमान खान भी डबल रोल में दिखाई देने वाले हैं, जिसमें सलमान खान एक तरफ शरीफ बने नजर आएंगे और दूसरी तरफ बदमाश। दोस्तों सलमान खान इससे पहले भी डबल रोल कर चुके हैं, और सलमान खान का ये रिकॉर्ड है, उन्होंने आज तक जितनी फिल्मों में डबल रोल किया है वो फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी रवि तेजा की इस जबरदस्त एक्शन फिल्म में जब सलमान खान होंगे तो रवि तेजा की एक्टिंग को भूल के लोग सलमान खान को याद रख पाएंगे या नहीं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वैसे रवि तेजा की बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्मों के रीमेक बन चुके हैं, जिनमें से दो पॉपुलर फिल्में हैं, एक तो रावड़ी राठौर और दूसरा किक, और दोनों ही फिल्मों ने हिंदी ऑडियंस के बीच अपनी बहुत जबरदस्त पकड़ बनाई है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी जब खिलाड़ी का रीमेक बनता है तो जो खिलाड़ी का खिताब अक्षय कुमार अपने नाम लेके घूमते हैं क्या वो सलमान खान के नाम हो जाएगा। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही मूवीज से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।